हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग एक यूनिक टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि हम लोग को होस का जो एंड कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को अगर आप पूरा वीडियो को फुल देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप लोग का 80% जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं रहेगा कोई भी एंड फिटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक टूल्स है जिसको यूज़ करके हम लोग थ्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हो गया ये वर्नियर कैलिपर, ये वाला। उसके दो नंबर में हो गया आपका ये पिच गज, जिससे हम लोग थ्रेड का जो पिच है टिथ पर इंच जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितना टीपीएच है। उसके बाद हो गया आपका ये एंगल गज, जिससे हम लोग थ्रेड का जो हम लोग का फिटिंग्स का जो फेस का जो एंगल है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हो गया थ्रेड फिटिंग चार्ट, जिसमें हम लोग को पता चलेगा जो हम लोग का फिटिंग है उसमें क्या डिटेल्स है, किस टाइप का फिटिंग्स है। तो कुछ इस टाइप का टूल्स को यूज़ करके हम लोग ये थ्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। उसके बाद हो गया हम लोग का क्या क्या फिटिंग्स हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया आपका BSPP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैरेलल। उसके बाद हो गया BSPT, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर। उसके बाद हो गया आपका ORFS, ओरिंग फेस शील्ड फिटिंग्स। उसके बाद हो गया JIC, जो कि जॉइंट इंडस्ट्री काउंसिल, ये हो गया आपका JIC फिटिंग्स। उसके बाद हो गया मैट्रिक फिटिंग्स, उसके बाद हो गया फ्लैंज टाइप फिटिंग्स, उसके बाद हो गया आपका फेरुल टाइप फिटिंग्स। ये सारा जो फिटिंग्स है बेसिक फिटिंग्स जो इसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं BSPP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैरेलल, ये फिटिंग्स को हम लोग शुरू करते हैं। करेंगे ये फिटिंग का साइज क्या है और ये किस टाइप का है। पहले एक छोटा सा फिटिंग लेते हैं, ये वाला। ये फिटिंग्स में हम लोग कुछ डाटा नोट करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि हो गया पहले हम लोग ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड का पहले उसका टीथ जो TPH है वो उसको नोट करते हैं, ये कितना TPH का है। ओके दोस्तों, तो उसको हम लोग नोट करते हैं, 18 लगाएंगे, देखेंगे 18 हो रहा है क्या। ये देखिए 18 जो है आपका, ये प्रॉपरली नहीं चल रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपका G19 है, देखिए G19। तो इसको हम लोग चढ़ाएंगे, ये दोस्तों जो थ्रेड ना है G19 है वो प्रॉपरली मैच कर जा रहा है। इसमें भी देखते हैं, जो G19 है वो प्रॉपरली मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, मैच कर रहा है। पहले हम लोग नोट कर देंगे G19 हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसका डायमीटर, जो मेल का जो डायमीटर है वो देखेंगे 13 कितना आता है। थर्टीन आ रहा है दोस्तों। ये दो चीज़ हो गया, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसका चार्ट में जाएंगे, चार्ट में जाके आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया आपका 1/4 का फिटिंग, चार्ट के हिसाब से 1/4 में 19 जो टिथ पर इंच 19 है, जो मेल का ओडी है, मेल का जो ओडी है आपका 13.2 है। ओके दोस्तों, तो हम लोग को ये पता चल गया ये 1/4 का फिटिंग है। उसके बाद दूसरा फिटिंग में जाएंगे, दूसरा फिटिंग देखेंगे, ये भी BSP फिटिंग है। इसको कैसे हम लोग थ्रेड जो एंगल गज है, एंगल गज से पता चलेगा इसका जो सीटिंग एंगल है ये चेक करेंगे।
जो कि ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। ये देखिए ये सेट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों इसका पिच चेक करेंगे, G19 जो है वो प्रॉपरली मैच कर जा रहा है। G19 मेल का जो जो एडोप्टर है उसका मेल का ऑडी देखेंगे कितना है। सिक्सटीन पॉइंट कुछ आ रहा है, दिख रहा है दोस्तों 16 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो देखेंगे हम लोग 16 पॉइंट कुछ है क्या, 16.45 आ रहा है। तो इसको देखेंगे कितना आ रहा है चार्ट में, देखेंगे चार्ट में देखिए ये 16.5 है। जो मेल एडोप्टर है उसका जो टीपीएच है वो 19 है, और जो मेल ओडी है वो है उसका 16.5। तो ये फिटिंग का साइज हो गया 3x8। जैसे कि बेसिक चीज़ है, ये कुछ डाटा हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, जैसे 3x8 का पिच क्या है और ओडी क्या है, ये दो पता चल जाएगा था हम लोग तुरंत फिटिंग देख के हम लोग को पता चल जाएगा इसका ये कौन सा साइज़ का फिटिंग है। उसके बाद दूसरा फिटिंग दोस्तों लेते हैं ये, इसका भी देखिए ये जो जो फेस एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री ओके दोस्तों। ये जो एडाप्टर है मेल एडाप्टर, तो इसमें भी सेम उसी टाइप का देखेंगे, उसका जो पिच देखेंगे पहले 19 मैच कराएंगे पहले 19G, वो मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद ये 14G है, 14G 14G है, तो 14G को मैच करेंगे। दोस्तों जो 14G है वो प्रॉपरली मैच हो जा रहा है, जो पिच है वो पता चल गया ओके दोस्तों। उसके बाद देखेंगे उसका ओडी, जो थ्रेड है उसका ओडी देखेंगे, ये 20.8 आ रहा है, 20.8 इसको हम लोग नोट करेंगे। लोग का जो टीपीएच है, जो टीथ पर इंच है वो 14 आया, G14 14G, और जो मेल ओडी है वो 20.8 आया। तो उससे हम लोग को पता चल गया ये जो है वो जो है बीएसपी एडोप्टर है, जो कि हाफ इंच का है। उसके बाद दूसरा एक फिटिंग को देखेंगे, ये भी आपका फेस देखिए 60 डिग्री का फेस है, जो कि बीएसपी एडोप्टर है। दूसरे वाला देखते हैं हम लोग, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी एक बीएसपी फिटिंग है, एक एंड थोड़ा बड़ा है और एक एंड थोड़ा छोटा है, दोनों एंड का पिच मेजरमेंट करेंगे पहले ओके दोस्तों। G14 जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके बाद और थोड़ा हम लोग छोटा में चलेंगे, 14 के बाद हो गया 11, तो G11 को मैच करेंगे कितना होता है कैसे होता है देखते हैं। G11 दोस्तों, G11 जो है वो मैच हो जा रहा है पूरा, G11 इस एंड में देखते हैं, ये भी G11 जो है वो मैच हो जा रहा है, दोनों एंड हम लोग का मैच हो गया G11 ओके दोस्तों। तो हम लोग को मिल गया, हम लोग का पिच मिल गया, जो टीपीएच है टीथ पर इंच है वो मिल गया। उसके बाद हम लोग उसका जो ओडी है उसको चेक करेंगे ओके दोस्तों। उसका जो ओडी है वो चेक करेंगे, दोनों का ओडी क्या क्या साइज़ है। जो थ्रेड ओडी है देखिए दोस्तों, जो थ्रेड ओडी है वो 33 आ रहा है, 33 आया। तो हम लोग इस डाटा को लेके हम लोग देखेंगे और दूसरे वाला साइड का देख लेंगे कितना आ रहा है। तो जो दूसरा वाला है वो उसका जो ओडी है वो आ रहा है 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये दोनों का चार्ट में देखेंगे, एक का 33 और एक का 31 प्लस आ रहा है,
तो दोनों को हम लोग जब देखे, इसमें हम लोग को लगा जो चेक किए जो डाटा शीट के हिसाब से, जो थ्रेड पी थ्रेड चार्ट के हिसाब से, जो ये वाला है वो 1 इंच का है, जो ये साइड वाला है जो 1 1/4 है। तो हम लोग को BSP का पता चल गया, सारा जो फिटिंग है वो ये हो गया आपका 1/4 का, ये वाला हो गया आपका 3/8 का। ओके दोस्तों, ये वाला हो गया 1/2 इंच का, 1/2 इंच का, ये वाला हो गया आपका 5/8 का। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो हो गया 1 1/4 ये दोनों का। तो हम लोग को BSP का जो चारों फिटिंग है हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर दिए हम लोग ये टूल्स को यूज़ करके। जैसे कि हो गया हम लोग का जो एडोप्टर का जो मैचिंग पार्ट है उसका जो एंगल मेज़र किए वो 60 डिग्री है, क्योंकि वो 33 जो फेस है उसका 30 डिग्री में हम लोग का जो थ्रेड एंगल है, जो फेस एंगल है वो मैच किया। तो इसी हिसाब से हम लोग BSP का सारा जो फिटिंग है हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, BSP के बाद देखेंगे हम लोग मेट्रिक। ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको लेके आप कितना एक्साइटेड है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। इसके आगे मेरे पास बहुत सारा जो भी आपको बताया उस टाइप का फिटिंग्स मेरे पास, उसका एंड फिटिंग और एडोप्टर सारा चीज़ है। मैं इसका इसमें डीपली पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ ये सारा फिटिंग्स के बारे में। इस वीडियो को लेके आप लोग कितना एक्साइटेड है मेरे को कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा, 2-3 वीडियो जो भी होगा मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। उसके बाद आप लोग, मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, आप कोई भी फिटिंग से इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये अगर एपिसोड सारा जितना भी वीडियो है 2-3 वीडियो होगा इस फिटिंग्स का, अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इजीली, मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ बताता हूँ, इजीली 80% फिटिंग्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें फिर अभी कंटिन्यू करना चालू किया हूँ वीडियो, बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। कोई भी हाइड्रोलिक का ट्रबल हो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ के रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।